क्या आपने कभी किसी टनल के निर्माण का काम देखा है? ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के सिवोक से लेकर सिक्किम के रांगपू को जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट क्यों बेहद खास है आपके सामने ये जानकारी भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुरंग निर्माण के एक जटिल तरीके से रूबरू करा देते हैं। क्या आपने कभी किसी टनल के निर्माण का काम देखा है? मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक टनल के निर्माण का काम का नमूना है। जी हाँ, ये नमूना है विस्फोटक के जरिए धमाका करके टनल का निर्माण करने का। हमारे सामने ही सुरंग को आगे बढ़ाने के लिए ब्लास्ट किया गया। ये जो आप हैंडल देख रहे हैं इसी के जरिए टनल में ब्लास्ट किया गया है। चलिए अब आपको इस प्रोजेक्ट की कुछ बड़ी बातों से रूबरू करा देते हैं और ये भी बता देते हैं कि क्यों चीन की इस प्रोजेक्ट से नींद उड़ सकती है। मैं महेंद्र सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सेवक रंगपो प्रोजेक्ट इपकॉन की ओर से काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट की टोटल 45 किलोमीटर लंबाई है हमारा। इसमें 5 स्टेशन पड़ते हैं, सेवक से लेके रंगपो के तक टोटल 5 स्टेशन पड़ते हैं। जी सर, टोटल टनल और ब्रिज की संख्या 14 टनल है हमारा और 13 मेजर ब्रिज हैं, 9 माइनर ब्रिज पड़ते हैं। जी सर, अगर इसकी बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है? सेवक रंगपो प्रोजेक्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा सीमावर्ती क्षेत्र में के लिए कनेक्टिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम NH10 के थ्रू जाते हैं, जिसमें मानसून में लैंडस्लाइड हो रहा होते हैं हाईवे में और पहाड़ में, उसके कारण कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। और हमारा प्रोजेक्ट में टनल है, टनल के अंदर में लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहेगा, पूरा ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगा, तो हमारा पब्लिक का मूवमेंट एंड मटेरियल एज वेल एज आर्मी का मूवमेंट, डिफेंस पर्सनल मूवमेंट सभी समय हम कर पाएंगे। जी, तो ये सिक्किम के लिए क्या पहली रेलवे कनेक्टिविटी होगी? यहाँ ये रेलवे लाइन सिक्किम को रेलवे के नेटवर्क पर लेके आएगी। इससे पहले रेलवे का हमारा कनेक्टिविटी नहीं है, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिक्किम को रेलवे नेटवर्क पर लेके आएंगे रंगपो तक बनाने के। रंगपो से गंगटोक का लाइन बाद में बनाया जाएगा। जी, अगर क्योंकि आर्मी की जब बात की जाती है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर पास पड़ता है उस साइड में, तो आर्मी के हिसाब से कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट डिफेंस और डिफेंस प्रिपेयरनेस में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें मास मूवमेंट करना पॉसिबल रहेगा, ट्रेन चलेगा और ऑल वेदर हमारा कम्युनिकेशन रहेगा ट्रेन के थ्रू, और उनके लिए स्ट्रेटजी कंसिडरेशन से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा प्रोजेक्ट का 7 नंबर टनल है T7। इसके अंदर में हम 650 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा और वहाँ पे प्लेटफॉर्म एरिया में टनल का साइज 13 मीटर है। नॉर्मल टनल हमारा 8 मीटर का होता है और ये प्लेटफॉर्म और यहाँ पे तीस्ता बाजार स्टेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट के कारण में यहाँ पे हमको कैवर्न बनाना पड़ रहा है, जो इंडिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेशन होगा ब्रॉडगेज नेटवर्क में। और यहाँ पे तीस्ता बाजार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कलिम्पोंग और दार्जिलिंग के जाने के रास्ते अलग अलग निकलते हैं, तो पैसेंजर की रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी था यहाँ पे एक स्टेशन बनाना, और ओपन में स्टेशन बना नहीं पा रहे थे, इसलिए अंडरग्राउंड का यहाँ पे हमको चुनाव करना पड़ा। हमारा प्रोजेक्ट में हम लोग NATM मेथड से टनल का माइनिंग का NATL मतलब होता है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। उसका अभिप्राय ये होता है कि आप लोग जैसे आप रॉक स्टार्टअप फेस में दिखाई देता है, आप देख रहे हैं जैसे देखते हैं, उसके हिसाब से आप लोग उसका उतना खुदाई ही कर सकते हैं। रॉक का स्टार्टअप अच्छा होगा तो ज़्यादा आप ब्लास्ट कर सकते हैं, कम होगा तो आप उसको हो सकता है ब्लास्टिंग नहीं भी कर पाएँ, उसको हमको पॉपलेन मशीन से एक्सकेवेटर से इसको खुदाई करने से काम चलेगा। तो हमारा अगर रॉक ख़राब है तो आधा मीटर का ही खुदाई कर पाएंगे, रॉक अच्छा है तो 3 मीटर तक आएगी सिंगल ब्लास्ट में 24 घंटा में काम कर सकते हैं। टोटल प्रोग्रेस जो टनल का होता है रॉक क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ का बहुत पुअर क्लास का रॉक है और फेस से साइड वाल से आप पीछे देख रहे हैं बहुत पानी आ रहा है। तो इन सब डिफिकल्ट कंडीशन में वर्कर्स हमारे काम करते हैं और प्रोजेक्ट में डे नाइट काम चलता है।